हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ये टॉपिक आपका अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आपको बढ़िया से करना है। और हाँ, जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं ये क्लास 12th के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन टॉपिक से जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम हमेशा कवर करते हैं। चलिए, तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपको हर एक सेशन के इंक्लूडिंग दिस सेशन पीडीएफ नोट्स भी मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से, टेलीग्राम पे अभिषेक साहू सर फिजिक्स। ठीक, ऑल दो मैंने इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट कई बार लिंक वर्क नहीं करती है, तो आपको मैनुअली सर्च कर लेना है नाम से। हाँ, एक और चीज़ कि भाई चैनल पे मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जैसे कि वन शॉट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हाँ एकदम जो है डिटेल्ड वीडियोज जो हो रही हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इनको देखें, मज़े लें। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों के आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें एकदम शॉर्टेस्ट लैंग्वेज में, तो आपको करना है आपको इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, है कि नहीं, तो उसको जरूर से ज्वाइन करो। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है, सब्सक्राइब के पास वाला जो बेल आइकॉन है, जो घंटी वाला जो आइकॉन है, इसको ज़रूर से एक बार प्रेस कर दो ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन इंस्टेंटली पहुंचे। क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियोस पोस्ट करी जा रही हैं ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी, तो अगर कुछ भी छूट जाएगा ना तो आप बाद में बोलोगे सर इस पर वीडियो बना देना, तब हम आपको बाद में रिप्लाई करके बोले बोला पहले ही बन चुकी है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाई। देख चलिए, अच्छा एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि भाई इस चैप्टर की सभी वीडियोज़ आपको लाइन से मिल जाए, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक के थ्रू भी जो है इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो भाई आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कभी आप जो है कोई वीडियो ना ढूंढ पाए तो क्या करेंगे, भाई टॉपिक का नाम लिख देंगे और उसके पीछे अभिषेक साहू लिख के सर्च कर देंगे, तब भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर है, तो आगे बढ़े आज के इस वीडियो में। चलिए, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अभी देखिए, अब होता क्या है कि आप जानते हैं कि लेट से मेरे पास ये एक डायपोल है, ये मेरे पास एक डायपोल है। अभी क्या है कि इस डायपोल के सेंटर पे हमने मान लिया कि भाई ये इसका सेंटर है। अब ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L। ठीक, डायपोल एक्चुअल में क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जो अगर किसी डिस्टेंस में सेपरेटेड, तो हमने इसको बोला डायपोल। तो अब इस डायपोल के कारण तीन पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी एक्सिस के अलोंग जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन होती है हम उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट। ओके नाउ, और किसी भी लोकेशन, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, किसी भी लोकेशन पे अगर कोई पॉइंट है तो हम इसको बोलते हैं एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट। तो आज हम इन तीनों पॉइंट पर कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। तो सपोज आई हैव अ डायपोल, मेरे पास एक डायपोल है और मैंने ये डायपोल बनाया और मुझे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक नाउ, तो लेट से मेरे पास ये एक डायपोल हो गया, इसमें मैंने बोला भाई ये क्या है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मेरे पास हो गया एक प्लस क्यू चार्ज, बहुत आसान है। और ये हो गया डायपोल की एक्सिस पे कोई पॉइंट जिसको मैं नाम दे देता हूँ पी, ये एक्सिस पे, इसलिए हमने इसको नाम दिया एक्सियल पॉइंट। यहाँ से अब अगर देखें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल और ये डिस्टेंस हो जाएगी एल। अगर मैं सेंटर से बात करता हूँ पॉइंट पी की, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की वो हम हमेशा आर लेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की। देखो अभी तो हमने ये इन दोनों के बीच बीच की बताई है, अब माइनस क्यू से लेके पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, तो मैंने कहा अगर ये डिस्टेंस आर है इसमें एल और जोड़ दो तो बन जाएगी आर प्लस एल। अगर हम नाम दे दें यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस बोलूँ पॉइंट पी की तो क्या हो जाएगी आर माइनस एल, ये तो क्लियर है।
अब इसके बाद आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ तो जहाँ प्लस चार्ज रखा हुआ है इसको मैं नाम दे दिया ए, जहाँ माइनस है वहाँ पे मैंने नाम दे दिया बी, और जहाँ पे ये इनके दोनों का सेंटर है उसको मैं नाम दे दिया ओ। अब इसके बाद आप ये देखेंगे भाई ये जो ए से लेके पी तक की डिस्टेंस है ए पी, ये जो ए पी है ये कितनी है आर माइनस एल, और ये जो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस है ये क्या है बी पी इज इक्वल टू आर प्लस एल। अब मुझे निकालना है भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पर कोई वेक्टर फॉर्म में लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखेंगे भाई इस पॉइंट पर कौन कौन से चार्ज पोटेंशियल बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। चलिए तो यहाँ पर ये जो क्यू का पोटेंशियल देखो ज़रा नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे नाम दूंगा भाई प्लस क्यू का पोटेंशियल होगा और माइनस क्यू का पोटेंशियल होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा मुझे नेट पोटेंशियल। तो देखो जरा पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण वो कितना था, बी इज इक्वल टू के, के का मतलब क्या होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, क्यू अपॉन आर लिया था मतलब डिस्टेंस। तो देखो जरा जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे उस चार्ज से डिस्टेंस की हम बात करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज में यहाँ पे लिखो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो देखो प्लस क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है प्लस क्यू से, हमने कहा आर माइनस एल एक्सियल पॉइंट की, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना। अभी देखो यहाँ पे माइनस क्यू, तो के कौन सा चार्ज बोला माइनस क्यू चार्ज अपॉन, अब यहाँ पे देखो माइनस क्यू से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या है आर प्लस एल, कुछ नहीं ये वाला माइनस आगे आ जाएगा एलसीएम ले लोगे काम बन जाएगा। तो अभी क्या करेंगे देखो जरा, तो वी इज इक्वल टू के और क्यू तो हमने ले लिया कॉमन, या एक स्टेप और देख लेते हैं भाई के इसके बाद क्यू आर माइनस एल, और यहाँ पर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे देखो के क्यू आर प्लस एल हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए v इज इक्वल टू के और q आ गया कॉमन, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन आर माइनस एल और ये माइनस वन अपॉन आर प्लस एल। ठीक चलिए अब एलसीएम लोगे आप ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद कुछ नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो जब कोई भी टर्म अलग अलग हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो आर माइनस आर प्लस एल का इंटू यहाँ तो आर प्लस एल, माइनस साइन आर माइनस एल का इंटू इस वन से हो जाएगा तो आर माइनस एल। अब यहाँ पे देखेंगे कि बी इज इक्वल टू क्या हो गया के क्यू, अब यहाँ पे देखो आर प्लस एल और माइनस साइन का इंटू अंदर हो गया तो ये बचा है अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू के क्यू, और यहां पर l से तो l कैंसिल हो गया तो ये एक मिनट जरा सॉरी r से r कैंसिल हो गया के क्यू, r से r कैंसिल हो गया तो ये बचा है q इंटू टू एल, देखो एक l और ये एक l तो q इंटू टू एल अपॉन में क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक तो अभी आप ये देखो कि मैं इस ध्यान से देखना अभी आप देखो v इज इक्वल टू ये देखो ध्यान से k k तो q इंटू टू एल क्या होता है टू क्यू एल क्या होता है बताओ जरा, डायपोल मोमेंट p की वैल्यू तो ये हो गया p अपॉन में क्या है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इसके बाद आप ये देखो r बार देखो अगर हम ये मान के चलें देखो एक्चुअल में क्या होता है डायपोल आइडियल डायपोल का साइज तो वैसे ही बहुत छोटा होता है हाँ, तो आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है डायपोल एक्सिस की आधी डिस्टेंस तो वैसे भी बहुत छोटी होगी, लेकिन जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट तो बहुत दूर हो सकता है ना, है कि नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये जो r डिस्टेंस है एक्चुअल में बहुत दूर हो सकती है l की के कंपैरिजन में, तो r इज मच ग्रेटर देन l, तो l को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट। तो हमेशा याद रखिए के पी अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है कि कंपैरिजन में तो छोटी वाली वैल्यू को हम हटा सकते हैं मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख जाएगा आर स्क्वायर, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फुल फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये पी अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ये देखिए डायपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है ये है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर आर स्क्वायर। ठीक अब आप यहां पर देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल या ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने निकाला है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज में पहले निकाला था, ये कितना आया था, ये आ गया था बी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपके पास क्यू अपॉन आर, ये आया था ना। अब इसके बाद ये देखो यहां पर ये कितना आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये देखो जरा ये कितना आया, देखो ई सॉरी बी v इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आपका p अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखना इसको, क्या आप इन दोनों में से मुझे ये बता पाओगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा जल्दी जल्दी डिप्लीट होगी, विच वैल्यू या कहें विच पोटेंशियल विल डिप्लीट फास्टर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, बताइए जरा। तो आंसर इज पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, क्योंकि आप ये देखो कि यहां पर क्या लिखा है कि अगर आपने डिस्टेंस बढ़ाई तो, क्योंकि देखो यहां पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और यहां पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डिस्टेंस को दो गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल टू के स्क्वायर टाइम्स मतलब चार गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस को तीन गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल नौ गुना कम हो जाएगा, डिस्टेंस को चार गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल सोलह गुना कम हो जाएगा, बात समझ लो, जबकि यहाँ डिस्टेंस चार गुना बढ़ाया तो पोटेंशियल भी चार ही गुना कम होगा, मतलब ये ज़्यादा जल्दी फास्टर हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल डिक्रीजेज फास्टर विद डिस्टेंस, समझ गए बात को, चलिए क्लियर हुआ। अब यहां पे अगर आपको ग्राफ भी बनाना होता ना तो आप ऐसे बना सकते थे, ये देखो ये v और यहां पे लिख दो r, तो आप यहां पर बताओ जरा ये ऐसा हो गया और कौन फास्ट डिप्लीट हो रहा है, तो किसकी वैल्यू जल्दी जल्दी कम हो रही है, देखो जरा ये देखो ये क्या है, ये है डायपोल के कारण और ये है पॉइंट चार्ज के कारण, समझ गए, ये क्या है, ये है इनवर्स कॉइल लॉ को फॉलो कर रहा है और ये क्या, ये क्या, ये सिंपल इनवर्स है, समझे। तो इस तरह से ग्राफ बना देते हैं, याद रखिए अगर वन अपॉन आर क्यूब अगर हम ले लें तो एक लाइन और निकलेगी जो इनसे भी नीचे से जाएगी बिल्कुल यहां पर टच करते हुए, समझे, उसका मतलब है और जल्दी जल्दी वैल्यू कम हो रही है, ठीक ना। तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है ना एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, हाँ ये बोर्ड लेवल पे आपके आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ना जो क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई और नीट में बहुत पूछे जाते हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका उसी पे होगा, छोड़ना मत बिल्कुल, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बात। दूसरी बात क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनको भी मत छोड़ना, ठीक है। चलिए तो अभी अपन स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, आप क्वेश्चन भले ही कर दोगे सॉल्व मैं जानता हूं, लेकिन एक छोटा सा नोट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुने बिना मत जाना, फिर भले ही इस क्वेश्चन को आपको तो सॉल्व करते रहना। देखिए जरा, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है एक बार इसको समझ लें जरा, कि देखो एक चार्ज, दो चार्जेस हमारे पास, एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू वन इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलाम, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। चलिए इसके बाद दूसरा चार्ज देखो, क्यू वन की वैल्यू थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलाम, ठीक। चलिए अभी दूसरा चार्ज यहां पे नेगेटिव है, तो क्यू टू इज इक्वल टू कितना, थ्री मतलब टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एट कूलाम, ये दूसरा चार्ज हो गया। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जिसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। आगे हम बढ़ेंगे, वो पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर, ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग, तो q1 और q2 को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो किस पॉइंट पर है ना, तो मतलब एक्सियल लाइन के किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो किस पॉइंट पर हो जाएगा, मतलब कितनी दूरी पर हो जाएगा, तो इस चीज को समझना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए कि नेट फोर्स जीरो कहाँ होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, तो हमेशा याद रखिए कहाँ जीरो होगा, हमेशा छोटे चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स, हमेशा
हमेशा छोटे चार्ज के पास, छोटे चार्ज के पास के पास जीरो होते हैं। हमेशा कहाँ जीरो होते हैं? छोटे चार्ज के पास जीरो होते हैं, याद रखना। बात समझ में आ रही है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि जो बड़ा वाला चार्ज है ना, वो दूर से उतना फोर्स, या कहूंगे दूर से उतना इंपैक्ट बना सकता है जितना छोटा वाला चार्ज पास से बनाएगा। तो छोटा वाला चार्ज पास में रखा होता है, बड़ा वाला चार्ज दूर रखा होता है कि नहीं? और अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो सेंटर पर मिल जाएगा आपको पॉइंट, समझे? तो बस ये कहानी है। तो आप यहां पर देखेंगे, ये कहा जा रहा है कि ये एक चार्ज है, मैं इसको मान लेता हूं, और ये एक दूसरा चार्ज है, इसको मैं कुछ भी नाम देता हूं। लेट से ये इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻¹ कूलम, और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻¹ कूलम। ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो पहला वाला चार्ज है ना, जिसको मैं नाम देता हूं लेट से Q1, और ये दूसरा वाला चार्ज है Q2, तो ये जो पॉइंट है ना जीरो वाला, कि भाई इस पॉइंट पे ना पोटेंशियल जीरो मुझे मिल सकता है, तो मैंने बता दिया कि भाई इस ये जो पॉइंट है ना, ये दूसरे वाले चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे होगा। हाँ, दूसरे वाला चार्ज छोटा है तो छोटे पॉइंट, छोटे वाले चार्ज के पास में होता है पॉइंट, हमेशा जीरो पोटेंशियल या जीरो फील्ड वाला पॉइंट। और ये डिस्टेंस मैंने देखो, क्योंकि दोनों के बीच के टोटल डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस 0.15 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 0.15 माइनस एक्स, समझ गए? तो बस ये याद रखिए। तो अभी आप ये देखेंगे कि जब इस चार्ज का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस चार्ज के नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम ऐसा लिखेंगे कि भाई ये देखो, पोटेंशियल ऑफ ये फर्स्ट वाला चार्ज शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड वाला चार्ज। तो फर्स्ट वाला चार्ज क्या है, ये देखो जरा, के Q1, Q1 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻¹ कूलम अपॉन ये वाले चार्ज से लेके यहां तक की डिस्टेंस 0.15 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखो के, Q2 ये है आपके पास 2 × 10⁻¹। हाँ, अगर मैं प्लस करता है, दोनों को ऐड करने होते तो फिर मैं यहाँ पे माइनस का ले लेता, समझे? इस साइड चला गया इसलिए प्लस का होगा, क्योंकि हमें कैंसिलेशन करने और मैग्नीट्यूड की ही बात करनी है ना। अभी देखिए जरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेरे पास ये डिस्टेंस है एक्स, ना ये वाले चार्ज से डिस्टेंस एक्स है ना, चलिए तो के से के कैंसिल हो जाएगा, 10⁻¹ से 10⁻¹ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.15 का 2 से होगा ना, तो 0.3 बच जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर ले आऊँगा 2x को तो इस साइड लगे 5x हो जाएगा, और ये 0.3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो भाई x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, माइनस 4 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, और अगर मैं इसको निकालता हूँ फ्रॉम, तो ये x इज इक्वल 6 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट पोटेंशियल दोनों चार्जेस कारण। और अगर मैं इसी वैल्यू को ये वाले चार्ज से देखता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो की पॉइंट है ना वो ये है, ये आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन में नहीं, हमेशा याद रखना है, कभी भी इक्विलिब्रियम भी पूछा जाए, इक्विलिब्रियम तो हमेशा जो नेट फोर्स है वो किस वाले पास के पास, किस वाले चार्ज के पास में होगा, वो नेट फोर्स जो जीरो है वो हमेशा छोटे चार्ज के पास में होगा, हमेशा याद रखिए, समझे? चलिए, तो अभी आगे बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। तो ये बहुत आसान है, देखिए मैं यहां पर हेडिंग बना लूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट। तो देखो, आप जानते हो कि इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्विटोरियल पॉइंट। तो देखो, यहां पर आपको समझना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही आसान है। देखो, ये मेरे पास एक डाइपोल हो गया, ध्यान से देखना, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया मेरे पास प्लस क्यू चार्ज। अब आप समझते हैं इसको, देखो ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। इसके बाद मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है
इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, वो लाइन उस पॉइंट उस लाइन पर पॉइंट होता है जो कि सेंटर से परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो आप ये देखेंगे कि भाई इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है ये दोनों साइड से बराबर होगी, चाहे मैं इस चार से बात करूँ चाहे मैं इस चार से बात करूँ, क्योंकि ये वाली लाइन तो कहाँ है, बीचों बीच है। तो ये हो गई लेंथ L, ये हो गई लेंथ L। अगर ये डिस्टेंस सेंटर से लेके ये O है मतलब R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेट से ये वाला चार्ज ना, चलो कुछ भी नाम दे दो, कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट पी पे, तो देखो सिंपल से बात है, के प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्यू से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितना होगा, तो के यहाँ पे देखो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है, देखो जरा वही रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर आप इस पॉइंट पी पे देखें, कहीं पे भी निकाल लो, पॉइंट पी पे निकाल लो, तो पॉइंट पी पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ जी भाई, तो ड्यू टू दिस प्लस क्यू प्लस ड्यू टू दिस माइनस क्यू। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है। तो आपने देखा कि प्लस क्यू कारण के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चलेगा, चले। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे दिस वैल्यू विल बिकम जीरो। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट जीरो। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बड़ा ही फेमस सा होता है ना, और ये कई जगह पर सर्टेन रीजन में या छोटे मोटे जगहों पर इस तरह से अक्सर पूछा जाता है कि भाई नेम अ पॉइंट, नेम अ पॉइंट, नेम अ पॉइंट वेयर, नेम अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो आप ये देखिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल पॉइंट की, इक्वेटोरियल पॉइंट की, हाँ इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल या इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, ऑफ ए डायपोल, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जीरो नहीं होती। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन किया हुआ है, ये जीरो नहीं होती, जबकि आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह पे जीरो होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप मुझे यहाँ पर खुद से बताएंगे एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि भाई मेंशन या नेम अ पॉइंट, नेम अ पॉइंट, नेम अ पॉइंट वेयर वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बोला ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, देन व्हाट वुड यू से। जरा सोच के जरा देखो कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो जरा आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं, आपने फर्स्ट लेक्चर अगर देखा है तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर या चार्ज स्फीयर की, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो नेट चार्ज नहीं होता, जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक, जो सारा सारा चार्ज कहाँ, सरफेस पे। तो अगर मैं बात करूँ इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता। ये कैसा होता है, ये मैक्सिमम होता है। और कैसा होता है, मैक्सिमम के साथ साथ कांस्टेंट होता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इनसाइड मेटेलिक कंडक्टर या सॉरी इनसाइड कंडक्टर, आप इसको बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, गॉट इट गाइस। चलिए तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो ना तो एक्सिस पर हो डायपोल की और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर हो, तो हम ऐसे पॉइंट को बोलते हैं कोई भी जनरल पॉइंट। इसका जो डेरिवेशन है समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, लेकिन आप इसको आराम समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले कि मैं यहां पर
क्या करूं कि एक डायग्राम बनाता हूं बढ़िया साहब। तो आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये मेरे पास एक एक्सिस, ये डायपोल हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज और यहां पर हो गया ये प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है, ठीक। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस कराना चाहूंगा कि आप इस डायग्राम पर फोकस करें, ठीक। और ये हो गया इन दोनों का सेंटर, जिसको मैं नाम दे दिया ओ। अभी एक्सियल पॉइंट कहाँ होता है कि किसी भी जगह पे हो सकता है कोई पॉइंट, तो मैंने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एक्सियल पॉइंट, चलिए सॉरी कौन सा पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट, ठीक, चलिए जनरल पॉइंट। अब इस जगह पर मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो निकाल दूंगा। सेंटर से हमेशा पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या नाम दिया, आर। अभी इसके बाद मैं ये देखता हूँ कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस क्यू चार्ज ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस जगह पे पोटेंशियल बनाने के लिए। तो मैंने कहा ये पॉइंट दे देता हूँ, लेट से आर, चलो यहाँ से दे देता हूँ आर टू, और यहाँ से दे दूंगा मैं आर वन, चलिए। तो ये माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस है इसकी, माइनस क्यू से, तो मैंने कहा माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है इसको बता देता हूँ, लेट से मैं आर वन, ठीक, चलिए। तो देखो अभी मुझे करना है एक बार फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जनरल पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ही तो रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल बनाने के लिए, तो मैंने प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस बताई और माइनस क्यू चार्ज से आर वन डिस्टेंस बताई, सेंटर से डिस्टेंस बताई आर। तो अभी एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर ये जो देखो आप जानते हो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, ठीक, यही होता है। तो इस हिसाब से तो प्लस क्यू चार्ज के कारण डिस्टेंस होनी चाहिए आर टू, यहाँ से डिस्टेंस होगी आर वन, और दोनों को ऐड कर दें। लेकिन आप जानते हो कि ये जो पॉइंट है ना किसी एक्सिस पर, मतलब किसी एंगल पर है, तो एंगल कहाँ है फिर, एंगल की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आपको यही चीज़ समझनी है कि ये जो है ना इसमें ये जो फॉर्मूला इसका बनेगा फाइनल, उसमें एंगल वाला जो टर्म है वो आना ही चाहिए, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहां पर थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना, ये बताओ, ये जो R वाली जो लाइन है, ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है। लेकिन अगर मैं बताना चाहूंगी R2 और R1 अगर बराबर हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि जो R1 वाली लाइन है, ये देखो, अगर आप यहां पर, अगर आप इस जगह पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कहां पर, ये देखो, अगर आप यहां पर ये थोड़ी सी लाइन परपेंडिकुलर हुई कि नहीं हुई, हाँ हाँ जी भाई। तो आप ये देखें कि अगर अब देखो आप ये पूरी लाइन और उस पूरी लाइन को देखोगे तो ये बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर आप अब देखें तो ये दोनों लाइन बराबर की है यहां से, क्यों, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सेंट्रल लाइन, ये डायपोल एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, क्लियर। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हमने इसलिए ड्रॉ किया, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूं नॉर्मल एन। तो ये हमने इसलिए ड्रॉ किया ताकि ताकि हम ये बता सकें कि भाई अगर इस आर में से ये ओ एन डिस्टेंस माइनस हो जाएगी ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना आर टू के बराबर होगी। तो अगर मैं इस आर में से ये डिस्टेंस अगर घटा दूं तो ये डिस्टेंस आर टू के बराबर ही होगी, चलिए ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो वैल्यू है ना, ये ओ एन, इसको फाइंड आउट करता हूं। तो आप ये देखिए, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है एल, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है एल। अगर मुझे ये पता पड़ जाए ना कि ये वैल्यू कितनी है, तो इस वैल्यू में से ये पूरी आर में से मैं इस वैल्यू को घटा दूंगा तो मुझे आर टू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे जो फाइनल आंसर है वो एंगल के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि जो जनरल पॉइंट है वो किसी भी एंगल पे हो सकता है। हाँ चलिए, तो मैं यहां पर देखूंगा कि भाई ये देखो जरा कि ओ एन मुझे निकालना है, तो ये इस तरह से ना ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये देखो ये दोनों एंगल ये बन रहे हैं साथ में, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक, ये हो जाएगा, सॉरी मैं गलत बता गया फिर से, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि जिसके साथ 90 थीटा बनता है उसको हमने बोला बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, हो जाएगा। आपको जब एग्जाम में बनाते हैं तो इस तरह से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस नहीं लिखना होता है, लेकिन ये खुद के समझने के लिए अभी। हाँ तो देखो मुझे बेस पता है, सॉरी बेस निकालना और हाइपोटेन्यूस पता है, तो कॉस थीटा लगेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है मुझे पता है, देखो जरा एल। तो अगर मैं यहाँ से ओ एन की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा एल L इंटू कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यदि मैं R2 की बात करूं तो आप जानते हो कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये बराबर है, कहां तक, यहां से लेके यहां तक, समझ गए। तो अगर R में से ON घट जाएगा तो R2 ही तो बचेगा, तो R2 इज इक्वल टू R में से ON घटा दो,
तो आर टू इज इक्वल टू कितना हो गया, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो जब भी आपको आर टू की वैल्यू रखनी होगी तो आप ये वैल्यू पुट करेंगे। चलिए अब इसके बाद यहां देख लो, अभी आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है, R2 रख दिया, अब मुझे निकालना है R1। तो अभी क्या करेंगे ना कि यहां से देखो, अब देखो आप ये जानते हो कि जो R1 वाली जो लाइन है ये R से बड़ी है। अब कितनी बड़ी है इसको भी हम जो है एंगल के टर्म्स में बताएंगे, तो देखना जरा। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी फिर से भाई नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज करता हूं तो देखना जरा, इस लाइन को मैंने बढ़ाया थोड़ा सा, मैं इसको यहां शिफ्ट करता हूं, ये देखो ये यहां पे इस तरीके से, ठीक ना। अभी देखना कि यहाँ पर अगर मैं एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं फिर से ये येलो कलर से दिखाऊं, ये देखो ये लाइन, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप ये देखें जैसे ये जो R2 R से इतनी छोटी थी वैसे ये R1 R से इतना बड़ा है कि नहीं। तो इस ये वैल्यू पता कर लेता हूँ मैं, तो मैं R1 के बारे में क्या लिख पाऊंगा, मैं R1 के बारे में कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा कि भाई ये जो R1 है ना, R1 ये R1 R से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, बोला इतना बड़ा है। इसको मैं नाम देता हूं O और ये हो जाएगा M, बात समझ भाई। तो R से O M बड़ा है। तो अगर मुझे ये पता पड़ जाए कि भाई ये वैल्यूज वगैरह कितनी है तो फिर काम बन जाएगा। तो यहां पर आप ये देखिए कि देखो फिर से ये क्या है, ये अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा, तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, बात समझ गए। तो बस निकाल देंगे। तो अभी आप यहां पे देखना, यहां पे अगेन यहां पे देखो, ये देखो कितना हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, बेस ओ एम या कॉस थीटा निकालना है ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्योंकि बेस मुझे निकालना है और हाइपोटेन्यूस पता है। तो ओ एम अपॉन एल, तो फिर से ओ एम इज इक्वल टू सेम कितना आ गया, एल कॉस थीटा, क्लियर हुआ ना। ये देखिए जरा, तो अभी आप यहां पे देखेंगे R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा, बस खत्म कहानी, खत्म खत्म। देखिए जरा, तो मुझे R1 की वैल्यू भी मिल गई और R2 की वैल्यू मिल गई, और ऐसी वैल्यूज मिली है कि फाइनल आंसर मेरा थीटा मतलब कॉस थीटा के टर्म्स में आएगा। बात कुछ हजम हो रही है, चलिए भाई देखिए जरा। तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे कि बढ़िया से एक मस्त लाइन बनाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर देखो B इज इक्वल टू मुझे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पे, तो माइनस क्यू ने भी बनाया पोटेंशियल और प्लस क्यू ने भी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस B ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, क्लियर है ना। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे देखेंगे प्लस क्यू का पोटेंशियल क्या होगा, K प्लस क्यू से डिस्टेंस Q अपॉन R2, क्लियर है। चलिए भाई प्लस, अब देखो माइनस क्यू की बात करें, माइनस क्यू तो माइनस क्यू का यहाँ पे क्या होगा, K माइनस क्यू अपॉन R1, माइनस क्यू से डिस्टेंस R1 है ना, तो बस वही डिस्टेंस लेंगे B इज इक्वल टू, देखो जरा K Q अपॉन R2 की बात करें तो R2 देखो क्या है, R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, बहुत सुंदर। चलिए अब इसके बाद माइनस साइन आ जाएगा, ये Q बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास R1 की वैल्यू। थोड़ा सा दिख रहा हूँ मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन हाँ तो दिख रहा है। चलिए देखो R1 की वैल्यू बताओ, R प्लस L cos थीटा, क्लियर है। चलिए भाई देखना जरा, अभी कुछ भी नहीं करेंगे यहां पर, V इज इक्वल टू K और Q तो आ गया कॉमन, अंदर बच रहा है R माइनस L cos थीटा और माइनस का 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। अगर हम यहां पे देखें तो LCM वगैरह लेना पड़ेगा हमें, जब हम LCM लेंगे तो क्या होगा, LCM लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई ये देखो कि ये इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू ये बचेगा K Q, और यहां पर LCM LCM लेंगे तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, बी स्क्वायर पूरा लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर R प्लस एल का इंटू यहाँ हो जाएगा, तो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस साइन, अभी देखो ये माइनस इनके बीच में लगा है तो माइनस है, ठीक है। अभी देखो R माइनस एल कॉस थीटा, तो अगर मैं इस माइनस साइन को ओपन कर दूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो मैं इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि V इज इक्वल टू के क्यू, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया R प्लस एल कॉस थीटा लिखा था। चलिए माइनस साइन के कारण साइन चेंज हो गए, तो माइनस का R और प्लस का देखो L कॉस थीटा हो जाएगा, L कॉस थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस का L
कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में, देखो क्या है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी देखिए वी इज इक्वल टू के क्यू, और यहां पर देखना के क्यू आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा टू एल कॉस थीटा, ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आप यहां देखें कि भाई v इज इक्वल टू क्यू इन टू टू एल को आप क्या लिखेंगे, साथ में k और इसको लिखेंगे p और ऊपर हो जाएगा cos थीटा अपॉन में आगे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। होता नहीं है, होता है ना, आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई q इंटू टू एल क्या होता है, ये हो जाता है p, तो आपने यहां पे लिख दिया, बात समझ में आ रही है। चलिए तो v की वैल्यू आ गई। अब यहां पर समझो कि इफ यदि r जो है cos स्क्वायर थीटा, ये भी चल रहा है साथ में cos स्क्वायर थीटा, नाउ अगर r जो है बहुत बहुत बड़ा है l की वैल्यू से, तो हम क्या कर देते हैं, तो हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू, अगर r बहुत बड़ा है l की वैल्यू, तो ये पूरी l की वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। चलिए ये बात समझ में आ गई आपको नाउ, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। अगर आपने फॉर्मूला निकाल दिया, अगर आपने फॉर्मूला निकाल दिया तो आप इस फॉर्मूले से देखेंगे कि भाई के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अगर आपको एक्सियल पॉइंट में निकालना है तो थीटा की जगह जीरो पुट कर दो, और अगर इक्विटोरियल पॉइंट में निकालना है थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर दो, हाँ तो कॉस 90 पुट करोगे तो ये आ जाएगा जीरो, और यही चीज़ हमने पढ़ी हुई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, जाते हैं भाई। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ये देखें इस तरीके से, और बाकी बहुत सिंपल है। हाँ अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन याद नहीं होगा ना, सिर्फ उनका ही बड़ा गर्व होने वाला है यहाँ पे। चलिए देखो जरा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखना सेम फॉर्मूला, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट 4×10⁻⁹ कूलम मीटर, एक डायपोल है, ठीक है, चलिए जिसका डायपोल मोमेंट मतलब P की वैल्यू कितनी है 4×10⁻⁴, कलर चेंज करेंगे, डायपोल मोमेंट है जिसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू है P इज इक्वल टू 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं कूलाम मीटर। चलिए इसके बाद क्या दे रहा है कि आपको ना 0.3 मीटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, और ये जो एंगल है ना ये कितना बन रहा है 60 डिग्री, और एंगल किसका बन रहा है, एंगल विद डायपोल एक्सिस, मतलब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई देखो ये हो गया पॉइंट माइनस क्यू और ये हो गया पॉइंट प्लस क्यू, अब यहाँ से आपको ये निकालना है और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये पॉइंट है पी, मतलब पॉइंट पी होता है जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, बाकी आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट से ये पॉइंट हो गया ए, इस ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा बी इज इक्वल टू, कितना फॉर्मूला दूसरे पेन से लिखेंगे, चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास बी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा या कॉस 60 अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू के की वैल्यू 9×10⁻⁹, इसकी वैल्यू 4×10⁻⁹, चलिए इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, आर स्क्वायर की वैल्यू 0.3 का स्क्वायर, मतलब 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.09 आ जाएगा, 0.09 ये पॉइंट हटाओगे तो ये पहुंच जाएगा आपके पास यहाँ पे 20, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर और ये 90 से 90, तो V इज इक्वल टू आपके पास 200 वोल्ट ये निकल के आ गया, ठीक, तो इस तरह से आप इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो ये होता है पोटेंशियल ऑन एनी जनरल पॉइंट। अभी देखो इसके बाद ना कई सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखे हैं, अगर मैं आपको बता दूँ ये इस तरह के क्वेश्चन हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में करे थे। अब आपको समझना है कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको मल्टीपल चार्जेस के कारण, तो फिर कंडीशन कैसी बनेगी। तो मान के चलो कि मेरे पास ये एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ, हालांकि हमें इसका फॉर्मूला जो है कोई डिराइव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी भी फॉर्मूला नहीं पूछा जाता पोटेंशियल चार्जेस, ठीक, तुम आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। चलिए अभी देखिए जरा क्या कर सकते हैं, यह समझ लो
तो मान के चलो कि अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन की तो कोई बात है ही नहीं। तो आप सिंपल एक काम करेंगे कि पहले चार्ज करंट, सारे चार्जेस करंट, देखो एक्चुअल में जैसे चार चार्जेस है ना, तो सभी चार्जेस का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा और वही होगा नेट पोटेंशियल। तो अभी आप क्या करेंगे, मल्टीपल चार्जेस हैं, सिंपल एक काम करें कि भाई के वन, मतलब के तो आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू टू अपॉन आर टू प्लस क्यू थ्री अपॉन आर थ्री, और ये इस तरह से ये चलने वाला है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान के चलो कि एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है मुझे, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, ठीक ना हो। तो अभी पहला वाला चार्ज है क्यू वन, इससे डिस्टेंस आर वन है, दूसरा वाला चार्ज इससे डिस्टेंस आर टू है, तीसरा वाला चार्ज इससे डिस्टेंस आर थ्री है, ठीक। तो पोटेंशियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस तरह से मैं सभी चार्जेस का पोटेंशियल ऐड कर दूंगा विद देयर साइन, यहाँ पे मुझे साइन देखना पड़ेगा, साइन विद साइन, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, जो कुछ भी होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन जैसे मान के चलो, इस तरह के हमने काफी सारे क्वेश्चन करे हुए हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है और मल्टीपल चार्जेस हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को साइन के साथ ऐड करूंगा और उसके साथ मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए बस। जैसे मान के चलो कि भाई मेरे पास ना ये एक स्क्वायर है, ये मेरे पास एक ये स्क्वायर है, ठीक। अब स्क्वायर के एजेस पे कुछ ऐसे चार्ज रखे हुए, एक क्यू और एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक। और अगर मैंने आपसे कह दिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, ये इस स्क्वायर की जो साइड है उसकी डिस्टेंस है ए, तो आपको उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, बस, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, अब आप जानते हो कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है क्या है ए, तो इसकी जो आधी डिस्टेंस हो जाएगी हाफ डायगोनल, हाफ डायगोनल, या मैं कहूँ कि भाई अगर साइड ए है, साइड अगर ए है तो डायगोनल कितना हो जाता है, डायगोनल हो जाता है ए रूट टू, ठीक। चलिए अब मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल पॉइंट पी पे, तो मुझे सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से इतनी, सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए ना, तो क्या करूंगा, मुझे डायगोनल की आधी डिस्टेंस चाहिए, तो हाफ डायगोनल की डिस्टेंस मुझे चाहिए, बात समझ गए। तो ए रूट टू का आधा टू, ये रूट टू से ये टू कैंसिल होगा, तो हाफ डायगोनल कितना निकल के आ जाएगा, देखो जरा, ए बाय रूट टू, समझे कि समझे, क्योंकि टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, चलिए तो हाफ डायगोनल की वैल्यू इतनी आ गई ए बाय रूट टू। तो अगर मैं यहाँ पर नॉमेन क्लेचर की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया ई, तो भाई अगर मैं कहता हूँ भाई ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ई सी या सी ई इज इक्वल टू डी ई, ये सारी डिस्टेंस क्या है, ये सारी डिस्टेंस है ए बाय रूट टू। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा भाई, वी इज इक्वल टू सबका पोटेंशियल ऐड कर देता हूँ कि ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट वाले चार्ज का पोटेंशियल, डी पॉइंट वाले चार्ज का पोटेंशियल, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि वी इज इक्वल टू ए पॉइंट वाले, यहाँ पे देखो ए के, के तो आ जाए सबका कॉमन नाउ, अभी इसके बाद क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या है क्यू अपॉन, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस, तो ए बाय रूट टू, तो ए बाय रूट टू आ गया, ठीक। चलिए अब दूसरा वाला चार्ज, बाकी सारे चार्ज माइनस के हैं, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे कितना हो, ये भी हो जाएगा ए बाय रूट टू, डिस्टेंस सबकी सेम है, क्यू ए बाय रूट टू, इसके बाद माइनस क्यू ए बाय रूट टू, ये सारे के सारे रूट टू पहुँच जाएंगे ऊपर, तो वी इज इक्वल टू के रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए माइनस, ये रूट टू पहुंच गया ऊपर, तो रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए माइनस रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए, तीन हो गए कि चार हो गए, ठीक। चलिए तो यहाँ पे माइनस रूट टू इंटू क्यू अपॉन ए, बताइए
ये क्लियर हो जाएगा, बात समझ पा रही ना। नाउ अभी क्या करोगे कि आप इन सारे वैल्यूज को कॉमन ले लोगे और आंसर वांसर जो भी आएगा उसको निकाल दोगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये जो है ना इस पॉइंट ऑफ माइनस आने वाला है नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव पोटेंशियल जो है ज़्यादा बन रहा होगा। चलिए तो वी इज इक्वल टू यहाँ पर जो है ये आ जाएगा आपका के और रूट टू क्यू आ जाएगा कॉमन और अपॉन में ए भी आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का वन माइनस का वन माइनस का वन और ये माइनस का वन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जो वैल्यू है ये एक वन से एक वन कैंसिल, तो ये वी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का टू के या रूट टू पहले भी था तो माइनस का टू रूट टू के क्यू अपॉन ए, ये पोटेंशियल निकल के आ गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखो कि ये इस तरह से ना जनरल पॉइंट का जो पोटेंशियल वगैरह है वो हो जाता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर थर्ड में जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल की ओर थोड़ा सा आपका कंट्रीब्यूशन रहे तो आप इन वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं इस सेशन की जो पीडीएफ लिंक है वो सेंड करूँगा, इसके साथ साथ आने वाले बहुत सारे सभी सेशंस की। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।